में लड़कों को, सब लड़कियों में इंटरेस्ट रहता था, मेरे को शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो गया। मम्मी ने बोला तू शेयर बाजार जाएगा तो उसे शादी कौन करेगा, क्या करूंगा पैसे का, बच्चे को 200-500 करोड़ दे दूंगा, उसके बाद इससे मरता हूँ मैं कमाने के लिए, मजा मेरे जवाई और बहू करने वाले और बेटे और बेटी। इनमें लड़कों को, सब लड़कियों में इंटरेस्ट रहता था, मेरे को शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो गया। तो मेरे फादर बहुत डेमोक्रेटिक फादर थे, वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई तेरे को जो करना है तू कर। तो बीकॉम हुई तो मैं बोला मैं तो जाता हूँ शेयर बाजार, तो बोले शेयर बाजार कल कड़का हो गया वहां पे तो क्या करेगा, कोई नौकरी भी नहीं देगा, पहले सीए कर। तो मैंने सीए किया तो डैडी बोले अरे तू अभी क्या करेगा, मैं बोला डैडी शेयर बाजार जाऊंगा। शेयर बाजार में क्या करेगा, मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बोले इन्वेस्ट करेगा तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ है, मेरे सामने ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे कर दूंगा। मेरी मम्मी ने बोला, हम तो मारवाड़ी कंजर्वेटिव फैमिली के थे, मम्मी ने बोला तू शेयर बाजार जाएगा तो उसे शादी कौन करेगा। तो बोला मम्मी डरो मत, एक कम बहू रहेगी आपको तंग करने के लिए। वो 5000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार, पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी, घर का खर्चा पापा मम्मी चलाते थे। तो मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट था, तो उसने मुझे उनके 2-3 क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया, उस जमाने में ब्याज 12-13 टका मिलता था, मैं बोला मैं 18 टका ब्याज दूंगा, मैं आप मुझे पैसा दीजिए। 1985 की बात है, मैंने एक साल में वो 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाए, और वो जमाने में 4 लाख रुपए टैक्स भरा। और मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैसे वाली फैमिली की थी, वो एसी रूम में रहती थी, गाड़ी थी, हमारे पास ना गाड़ी थी, हम तो बस में जाते थे। मेरी वाइफ ने मेरे जिंदगी में आज तक एक ही चीज मांगी है, अपने रूम में एसी कब लगेगा। उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्क 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्क 20 करोड़ थी। तो मैंने जाके बस एक ही चीज की, रेखा को घर पहुंचा रात को 2 बजे, सब डिस्कस वगैरह करके मैंने बोला रेखा अपने एसी आ गया। हमारे डैडी क्या बोलते थे, ये शेयर बाजार है, यहाँ कोई बीवी के बांगड़ बेच के आता है, कोई बीवी को बेच के आता है, कभी किसकी हाई नहीं लेना चाहिए। तो वो दिन और आज का दिन है, कभी मैं कोई शेयर को मैनिपुलेट करूं, इधर बेचूं उधर लूं, वो सब धंधे हमको आते ही नहीं, क्या करूंगा पैसे का, बच्चे को 200-500 करोड़ दे दूंगा, उसके बाद इससे मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मरता हूँ मैं कमाने के लिए, मजा मेरे जवाई और बहू करने वाले और बेटे और बेटी। आपने कहा कि कब खरीदना और कब बेचना इम्पोर्टेंट होता है, हर्षद मेहता के समय पर हाउ यू टैकल द मार्केट। अरे वेल, मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के, बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा, बेच बेच के बिकॉज वी न्यू इट वाज फ्रॉड मनी। और पहले बेचा फिर काटा, बिकॉज यू नो इतना पैसा है, और वैल्यूएशन वाज अनबिलीवेबल। मतलब आप समझेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एनएवी ओपन क्लोज एंडेड फंड लिस्टेड 52 रुपया, लिस्टेड प्राइस 160, हमने शॉर्ट मार दिया, नेक्स्ट डे बहुत 240। सेविंग्स के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के बिना ग्रोथ नहीं हो सकता है, और अपन बेसिकली एक हिंदू नेशन है, एक हिंदू नेशन की जो अपनी सबसे बड़ी मार्क है इस टॉलरेंस, ये सब जो घर वापसी, ना इसको मार दिया ना उसको मार दिया। मैं बोलता हूँ देयर इज नो डाइवर्स सोसाइटी एज इंडिया, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस 29 लैंग्वेजेस। आप नागपुर में 100 विलेज जाओगे तो हर विलेज में चावल अलग तरीके से बनेगा, अपने खाने में क्या डाइवर्सिटी है, कपड़े में क्या डाइवर्सिटी है, 1-2 इंस्टेंस। सो इंडिया इज अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया इज अ ग्रेट लैंड वेयर यू नो टॉलरेंस इज व्हाट वी आर। अपन क्या बोलते हैं कि सर्व धर्म एक है, you cannot be converted to Hinduism, you have to be born to Hinduism. Hinduism is not a religion, it's a way of life. And what is the modern world? It is about tolerance, it is about change. It's only those who are tolerant who can change.